अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज हम ये सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस को किस तरीके से जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलें आइए देखते हैं। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि हाइपरलिंक क्या होता है, और हाइपरलिंक में हमने ये समझा था कि हाइपरलिंक कहते हैं किसी भी टेक्स्ट या किसी पिक्चर पे जिसके ज़रिए हम किसी और वेब पेज, किसी और एक खास पर्टिकुलर पेज में जो है वो जंप कर जाएं, वो आपका हाइपरलिंक कहलाता है। ठीक है, और वो होता कहाँ है, वो इंसर्ट टैब के इस लिंक्स के ग्रुप में, ये रहा आपका हाइपरलिंक का ये फीचर मौजूद है। जिसने मेरी वो वीडियो ना देखी, मैं ऊपर यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, जाएँ और वीडियो देख लें और समझे कि किस तरीके से हम जो है वो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले देखते हैं कि बुकमार्क क्या होता है। अच्छा, बुकमार्क की एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है, ठीक है, और हमने उस बुक के अंदर किसी भी एक खास वर्ड या किसी भी एक सेक्शन को हमने जो है, या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जो है वो मार्क किया हुआ है। ठीक है, अगर हम मार्क कर देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी उसे ढूंढना चाहेंगे, उसको फाइंड करना चाहेंगे, हम इजीली उसको क्या कर सकेंगे, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जितने भी बुक मार्क लगाना चाहें लगा सकते हैं, और सेकेंड थिंग ये कि हम उसका यूनिक नेम दे सकते हैं। ठीक है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसको किस तरीके से लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले होगा क्या कि मैंने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है ताकि हम इजीली उसको जो है वो समझ सकें। सबसे पहले एक चीज़ जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुकमार्क का एक एक चेक मार्क होता है, वो आपका होता है फाइल में, आपको सिंपली जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस का एक पैनल दिया हुआ है, उसमें आपको आना है एडवांस के अंदर। ठीक है, और एडवांस में आपको ड्रॉप डाउन नीचे स्क्रॉल बार से आपको जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होगा शो डॉक्यूमेंट कंटेंट के अंदर, शो बुकमार्क्स का। ठीक है, अगर ये किसी के पास अनचेक हो तो इसको प्लीज़ जो है वो चेक मार्क लगा दीजिएगा। इसको चेक मार्क लगाने से होगा क्या वो मैं आपको अभी बताता हूँ, और सिंपली इसको क्या कर दीजिएगा, चेक मार्क लगाने के बाद ओके कर दीजिएगा। ठीक है, आप चेक मार्क लगाएंगे उसे और ओके कर देंगे, फाइन। अब आपको इंसर्ट टैब में आना है और लिंक्स के ग्रुप के अंदर आपको क्लिक करना है बुकमार्क पे। बुकमार्क पे क्लिक करने से पहले आपको पहले बताना ये है कि आपको किस कौन से वर्ड को या कौन से ऐसे सेक्शन को जो है वो बुकमार्क करना है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस थर्ड पेज के अंदर ये वाला जो मेरी हेडिंग जो है वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसके अंदर ये कोई जगह जो है वो बुकमार्क हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या कि या तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लूँ, बुकमार्क पे क्लिक करूँ और यहाँ पे बुकमार्क नेम में जो है वो यहाँ पे एक नेम दे दूँ जिससे मैं उसको इजीली बाद में आइडेंटिफाई कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ वेयर, ठीक है, और मैं इसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आगे और मज़ीद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। अगर आप आगे लिखेंगे तो देखें ऐड का जो ऑप्शन है वो डिजेबल हो चुका है। तो सिंपली आप एक वर्ड लिख के इसे ऐड कर दें। ठीक है, अब देखिए मैंने जब इसको ऐड किया तो हुआ क्या कि आपको यहाँ पे एक आई कलर का जो है वो बेसिकली ये क्या है, मार्क हो चुका है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये बुक मार्क हो चुका है। अब अगर आपको फिर से इसको जो है वो यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट पेज में फिर से जो है वो यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे डायरेक्ट उस जगह पे जाना है। अब मैं करूंगा क्या कि मैं बुक मार्क पे क्लिक करूंगा तो मैंने जितने बुक मार्क क्रिएट किए होंगे वो मुझे बताएगा। तो मैंने यहाँ पे वेयर का एक जो है वो लगाया हुआ है ऑलरेडी, मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ और मैं कर रहा हूँ गो टू। तो होगा क्या, जैसे ही क्लोज करूंगा तो सीधे ये मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचा देगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में इसने मुझे डायरेक्ट पहुंचा दिया, मुझे इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद ढूंढने की जो है वो जरूरत नहीं हुई। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाऊं और यहाँ पे कोई एक वर्ड पे लगा के देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है व्हाई डू वी यूज इट, यहाँ पे मैं इस वर्ड रीडेबल इंग्लिश मैं चाहता हूँ यहाँ पे कहीं पे बुकमार्क लग जाए। ठीक है, तो अब मैं करूंगा क्या कि मैंने सिंपली यहाँ पे कर्सर रखा, अब मैंने यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दूंगा, सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ रीडेबल ताकि मुझे वो चीज़ याद रह सके। तो रीडेबल लिख के मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी दोनों तरफ अब मार्क हो चुके हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि वो जो मैंने चेक मार्क लगाया वो इसीलिए लगाया है क्योंकि अगर वो आपका चेक मार्क नहीं होगा तो इस तरीके के जो आपको ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं वो आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएंगे कि बुक मार्क शो होना चाहिए आपका। ठीक है, तो वहां पे हमने इसको चेक मार्क इसीलिए जो है वो आप लगाया। मैं सिंपली जो है वो स्टार्टिंग में जा रहा हूँ। ठीक है,
और अब मैं बुकमार्क में क्लिक करके देखिए मेरा रीडेबल भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं सिंपली गो टू जैसे ही करूँगा, क्लोज करूँगा तो सीधे से मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको अगर आपको ये कन्वीनियंट ना लगता हो बार बार इंसर्ट टैब में जाके करना, तो देखें होम टैब में भी आपको जो है वो यहाँ पे इसका एक ऑप्शन दिया हुआ है गो टू का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। बुकमार्क में तो आप ऑलरेडी हैं, आपने जितने भी बुकमार्क क्रिएट किए हुए हैं ना वो सब आपको ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे वेयर में जाना है तो मैं गो टू करूँ तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे पहुँचा देगा ये। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे बुकमार्क जो है वो ऐड करना हो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आप काफ़ी जो है वो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको बार बार स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाने की जो है वो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब देखते हैं कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन भी आपको इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स के अंदर मिलेगा। क्रॉस रेफरेंस भी जो है वो काफ़ी सिमिलर है, बल्कि सिमिलर ही है, सेम ही है जैसे हाइपरलिंक और बुकमार्क है। ठीक है, जैसे इन दोनों का काम है कि किसी भी एक सेक्शन या किसी भी एक जगह को लिंक करना, तो सेम एस क्रॉस रेफरेंस भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो काम करता है। ठीक है, अच्छा इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो टेबल को इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में इसको जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंसर्ट टैब में रहते हुए आपको टेबल्स के ग्रुप के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम इजीली उसको समझ सके छोटे बना लेता हूँ। यहाँ पे इसे इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टॉपिक और यहाँ पे लिख देते हैं पेज नंबर। ठीक है, अब मैं बना क्या रहा हूँ पहले मैं आपको वो समझा दूँ। आपको आई गेस थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। जो नॉर्मली हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह होती हैं, वी ऑल नो दैट के हमारा जो टाइटल पेज के बाद जो ये पेज होता है ये एक इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट पेज भी कहते हैं या इंडेक्स पेज भी कहते हैं, जिसमें हमारे टॉपिक के नेम और पेज नंबर जो है वो नॉर्मली लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपली कर ही रहा हूँ कि यहाँ पे एक इंडेक्स जो है वो नॉर्मली मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं, एक के अंदर लिख देता हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक के अंदर मैं लिख देता हूँ C++ और एक के अंदर मैं लिख देता हूँ HTML। फाइन, और हम इनको कोई एक पेज नंबर भी दे देते हैं। फर्स्ट पेज में तो ये है, तो मैं काम करता हूँ इसको सेकंड पेज दे देता हूँ, इसको थर्ड पेज दे देता हूँ, इसको फोर्थ पेज दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा आप क्रॉस रेफरेंस काम किस तरीके से करेगा, मैंने एग्जांपल क्यों ली वो मैं आपको भी बताता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक इंडेक्स बना हुआ है और इस इंडेक्स के अंदर मेरे पास जो मेरे पास टॉपिक है वो तीन टॉपिक है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इट मीन्स के चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग जो बुक वगैरह जो पढ़ते हैं उसके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के अंदर पूरा कंटेंट होता है हमारा। ठीक है, तो एक मेरा चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो कि पेज नंबर 2 पे है, एक मेरा चैप्टर है C++ का जो कि पेज नंबर 3 पे है, और एक मेरा चैप्टर है HTML का जो कि पेज नंबर 4 पे है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए हुआ है। अब आपका पेज नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपका हो सकता है कंप्यूटर नंबर अगर सेकंड पेज पे है तो C++ आपका जो है वो 10th के 12th पेज पे हो सकता है। हम सिर्फ यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास तीन चैप्टर, उन तीनों चैप्टर के कुछ पेज नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं कर ये रहा हूँ कि पहले तो इन तीनों चैप्टर को इन पेज नंबर के अंदर ले देता हूँ, रख लेता हूँ, लिख लेता हूँ, क्योंकि ये पेज नंबर जो मैंने लिखे हैं सेकंड पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे और यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर रहा हूँ। पहले सब कर लेते हैं। ठीक है, एक को यहाँ रख लेते हैं और उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बाद मैंने C++ लिखा था, तो C++ को भी यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ चैप्टर के नाम लिख रहा हूँ, कंटेंट भी हमारा जो है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम तो अभी सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, इसमें कंटेंट को ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास तीन चैप्टर हैं और तीनों चैप्टर के मैंने जो है वो यहाँ पे नाम लिख दिए, हेडिंग दे दिए, और ये मेरा फर्स्ट पेज है उसका क्या है, इंडेक्स पेज है। अच्छा, आपको सबसे पहले इसके अंदर करना क्या है कि इन तीनों चैप्टर जो आपने यहाँ पे अभी पेस्ट किए हैं सेलेक्ट करना है, होम टैब में आना है, उसको हेडिंग वन स्टाइल्स के ग्रुप के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है हेडिंग वन का। ठीक है, आपको इसको इस स्टाइल में चेंज कर देना है। ठीक है, इसे भी कर देना है और सेम एस यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करके इसे भी हेडिंग वन में चेंज करना है और सेम एस इसको भी HTML को भी आपको हेडिंग वन बनाना है। ठीक है, अब मैं चाहता ये हूँ कि विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेफरेंस मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो डायरेक्ट जो है वो मैं पेज नंबर 2 पे पहुँच जाऊँ। ठीक है,
अब मैं या तो टॉपिक की हेल्प ले सकता हूँ या तो पेज नंबर की हेल्प ले सकता हूँ, दोनों की हेल्प ले सकता हूँ। अच्छा, अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि मैं अब क्रॉस रेफरेंस को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली पहले फर्स्ट चैप्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो देखें जितने भी आपने वो हेडिंग लिखे बनाए थे ना, वो आपके पास तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। और देखें रेफरेंस टाइप भी आपका हेडिंग पे होना चाहिए, ड्रॉप डाउन क्लिक करके ये आपका हेडिंग पे ही लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आप इसको इंसर्ट करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस क्या हुआ है बेसिकली यहाँ पे लग चुका है। इसको आप क्लोज करें, एक इसके अंदर इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी बेसिकली। इसी तरीके से सेम एस को भी सेलेक्ट करें, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करें, इस पर भी क्लिक करके इंसर्ट कर दें। सेम एस यहाँ पे भी इसको भी सेलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें और इंसर्ट कर दें। तो अब हुआ क्या है कि इन तीनों के अंदर क्रॉस रेफरेंस लग चुका है। अब मैं जब कंट्रोल प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और इस पर माउस रखूँगा तो देखें आपको एक हैंड नज़र आ रहा होगा, ये वही हैंड है जो हाइपरलिंक में मौजूद, जब हम लोग हाइपरलिंक को इंसर्ट करते हैं तब नज़र आता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप हाइपरलिंक कहीं पे देखेंगे और ये हैंड बना हुआ है तो इतनी समझ जाएं कि यहाँ पे एक लिंक जो है वो ऑलरेडी इंसर्ट की हुई। तो सेम एज यहाँ पे भी क्रॉस रेफरेंस के अंदर भी वही है, आप जैसे कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो हैंड नज़र आएगा, क्लिक करेंगे तो ये आपको पर्टिकुलर उस पेज पे जो चैप्टर आपने हेडिंग के जरिए बनाया था उस पे उसने आपको डायरेक्टली पहुँचा दिया। अब सेम एज अगर मैं फिर से स्क्रॉल अप करूँ और कंट्रोल प्रेस करके रखूँ और अब HTML पे क्लिक करूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो ये आपको यहाँ पे पहुँचा देगा। सो इस तरीके से काफ़ी इजी है अगर आपको क्रॉस रेफरेंस को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करना हो, एंड बुकमार्क भी काफ़ी इजी है और हाइपरलिंक को हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया लेक्चर के साथ फिर से आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।